तो कैसे आप लोग लोग तब तो रोता रहता। सो हे गाइस, नीरज हियर एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो पे असेंटिक लोफी सॉन्ग के ऊपर बीट से लगा के एकदम कड़क स्टेटस वीडियो क्रिएट करने वाले हैं। इस वीडियो को क्रिएट करने के लिए आप लोगों को सिंपली अलाइट मोशन एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगा, जिसका लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इस वीडियो पे जो जो मटेरियल यूज़ किए उन सारे लिंक आप लोगों को मेरे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। आप लोगों को एडिटिंग के रिलेटेड किसी भी टाइप प्रॉब्लम हुई तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है। चले गए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज, आप लोगों को प्रियो पसंद आया तो इस वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिए, और इस टाइप स्टेटस वीडियो क्रिएट करना चाहते हो तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर वॉच करना, तभी आप लोगों को जो जो मॉडल इमेज पर कौन सा इफेक्ट अप्लाई कर लेने डिक्टोटिक पूरा समझ में आ जाएगा। सो गाइस, आप लोगों को अलाइट मोशन एप्लीकेशन ओपन करने के बाद इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने मिलेगा। अब आपको डिस्क्रिप्शन से 100 बिटमैप बजट इंच के फिर पीसीट अपनी अलाइट मोशन में इंपोर्ट कर लेने। इंपोर्ट करने के बाद गाइस, आप लोगों को पहले 100 बिटमैप बजट ओपन कर लेना है। 100 बिटमैप बजट ओपन करने के बाद गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो पूरे 100 बिटमैप बजट पर मैंने ऑलरेडी बिट मार्क कर चुका हूँ। गाइस, अब आपको यहाँ पर स्टार्टिंग पर आना है। स्टार्टिंग पर आने के बाद प्लस आइकन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इमेज जनरल पर क्लिक करके लिरिकल वीडियो ऐड कर लेने। ये लिरिकल वीडियो आप लोगों को मेरे डिस्क्रिप्शन पे ऑल मटेरियल लिंक पर मिल जाएगा, वहाँ से आप इस लिरिकल वीडियो को डाउनलोड करके ऐड कर लेने। ऐड करने के बाद गाइस, अब आपको मोन ट्रांसफर ऑप्शन पर क्लिक कर लेने। क्लिक करने के बाद थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करके इसका साइज़ इंक्रीज कर लेने। आपको मिनिमम 1500 तक इसका साइज़ इंक्रीज कर लेना है। साइज इंक्रीज करने के बाद गाइस, अब आपको बैक आना है। बैक आने के बाद इस लिरिकल वीडियो को हमारे बीट तक ही रखना है। अब आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेने। क्लिक करने के बाद लिरिकल वीडियो हमारे बीट तक आ जाएगा। अब आपको एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम कर लेना है। एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम करने के बाद गाइस, अब आपको बैक आना है। बैक आने के बाद फिर से प्लस आइकन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इमेज जनरेटर पर क्लिक करके आप किस वीडियो से अपना स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हो उस फोटो को सिंपली सेलेक्ट करके ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद गाइस, अब आपको थ्री ऑप्शन पर क्लिक करके फिल स्क्रीन कर लेना है। फिल स्क्रीन करने के बाद इस ऑप्शन पर क्लिक करके एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम कर लेना है। अब आपको बैक आना है। बैक आने के बाद फिर से प्लस आइकन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इमेज जनरेटर पर क्लिक करके सेकेंड मॉडल इमेज ऐड कर लेना है। सेकेंड मॉडल इमेज ऐड करने के बाद अब आपको फिर से थ्री ऑप्शन पर क्लिक करके फिल स्क्रीन कर लेना है। फिल स्क्रीन करने के बाद इस ऑप्शन पर क्लिक करके एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम कर लेना है। अब आपको बैक आना है। सो गाइस, आप लोगों को इसी मेथड को यूज़ करके पूरे 100 बिटमैप बजट पर सारे मॉडल इमेज ऐड करके बीट के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। सो गाइस, मैं जल्दी से सारे मॉडल इमेज ऐड करके बीट के हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ, तब तक वीडियो को स्किप कर देता हूँ। सो गाइस, मैंने वीडियो स्किप करके सारे मॉडल इमेज ऐड करके बीट के हिसाब से एडजस्ट कर चुका हूँ। आप लोगों को इसी टाइप सारे मॉडल इमेज ऐड करके बीट के हिसाब से एडजस्ट कर लेने। सो गाइस, अब आपको यहाँ पर स्टार्टिंग पर आना। स्टार्टिंग पर आने के बाद गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो आप लोगों को स्टार्टिंग में किसी भी टाइप लिरिक्स लिखने की और इफेक्ट अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये डायरेक्ट लिरिकल वीडियो ऐड कर लेना है। गाइस, अब आपको नीचे यहाँ पर स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो आप लोगों को इफेक्ट अप्लाई करते टाइम आसानी हुई, इसलिए मैंने इफेक्ट 1, इफेक्ट 2, इफेक्ट 3 एंड इफेक्ट 4 टेक्स्ट लिख चुका हूँ। गाइस, अब आपको मॉडल इमेज पर इफेक्ट अप्लाई करने के लिए आप लोगों को सिंपली बैक आना है। बैक आने के बाद शेकी फिट प्रीसेट ओपन कर लेना है। शेकी फिट प्रीसेट ओपन करने के बाद गाइस, अब आपको फर्स्ट वाला मॉडल इमेज पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इफेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करके थ्रीडर ऑप्शन पर कॉपी फिट कर लेना है। इसके बाद में बैक आना है। बैक आने के बाद सॉन्ग बिटमैप बजट ओपन कर लेना है। सॉन्ग बिटमैप बजट ओपन करने के बाद गाइस, अब आपको मॉडल इमेज पर आना है। मॉडल इमेज पर आने के बाद गाइस, अब आपको नीचे यहाँ पर स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद गाइस, अब आपको इस सॉन्ग बिटमैप बजट पर देखना है इफेक्ट ऑन टेस्ट कहाँ है। उन सारे जगह अब आपको फर्स्ट वाला इफेक्ट पेश कर लेना है। सो गाइस, यहाँ पर भी इफेक्ट 1 है। अब आपको इस मॉडल इमेज पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इफेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करके थ्री डी ऑप्शन पर पेस्ट इफेक्ट कर लेना है।
सो गाइस आप लोगों को इसी मेथड यूज करके पूरे सॉन्ग बीट में प्रोजेक्ट पर इफेक्ट ऑन टेस्ट का है, सारे जगह फर्स्ट वाला इफेक्ट पेश कर लेना है। गाइस मैंने इस पूरे सॉन्ग बीट में प्रोजेक्ट पर इफेक्ट ऑन टेस्ट कहा था, सारे जगह फर्स्ट वाला इफेक्ट अप्लाई कर चुका हूँ। गाइज अब आपको सेकेंड इफेक्ट पेश करने के लिए आप लोगों को सिंपली बैक आना है। बैक आने के बाद शेक इफेक्ट पे सेट ओपन कर लेना है। शेक इफेक्ट पे सेट ओपन करने के बाद गाइज अब आपको सेकेंड वाला मॉडल इमेज पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इफेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करके थ्री डॉट्स ऑप्शन पर कॉपी फेड कर लेना है। इसके बाद में बैक आना है। बैक आने के बाद सॉन्ग बीट में प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है। सॉन्ग बीट मैप प्रोजेक्ट ओपन करने के बाद गाइज अब आपको मॉडल इमेज पर आने, मॉडल इमेज पर आने के बाद गाइज अब आपको नीचे यहाँ पर स्क्रॉल कर लेना। स्क्रॉल करने के बाद गाइज अब आपको इस सॉन्ग बीट मैप प्रोजेक्ट पर देखना है इफेक्ट और टेस्ट कहाँ है, उन सारे जगह अब आपको सेकेंड वाला इफेक्ट पेश कर लेना है। गाइज मैंने इस पूरे सॉन्ग बीट में प्रोजेक्ट पर इफेक्ट और टेस्ट कहा था, उन सारे जगह सेकेंड वाला इफेक्ट अप्लाई कर चुका हूँ। गाइज अब आपको थर्ड इफेक्ट अप्लाई करने के लिए आप लोगों को सिंपली बैक आना है। बैक आने के बाद शेक इफेक्ट पे सेट ओपन कर लेना है। शेक इफेक्ट पे सेट ओपन करने के बाद गाइज अब आपको थर्ड वाला मॉडल इमेज पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इफेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करके थ्री डॉट्स ऑप्शन पर कॉपी फेड कर लेना है। इसके बाद में बैक आना है। बैक आने के बाद सॉन्ग बीट में प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है। सॉन्ग बीट में प्रोजेक्ट ओपन करने के बाद गाइज अब आपको मॉडल इमेज पर आना है। मॉडल इमेज पर आने के बाद गाइज अब आपको नीचे यहाँ पर स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद गाइज अब आपको इस सॉन्ग बीट में प्रोजेक्ट पर देखने इफेक्ट थ्री टेस्ट कहाँ है, उन सारे जगह अब आपको थर्ड वाला इफेक्ट अप्लाई कर लेना है। गाइज मैंने इस पूरे सॉन्ग बीट में प्रोजेक्ट पर इफेक्ट थ्री टेस्ट कहा था, उन सारे जगह थर्ड वाला इफेक्ट अप्लाई कर चुका हूँ। गाइज अब आपको फोर्थ इफेक्ट अप्लाई करने के लिए आप लोगों को सिंपली बैक आना है। बैक आने के बाद शेक इफेक्ट पे सेट ओपन कर लेना है। शेक इफेक्ट पे सेट ओपन करने के बाद गाइज अब आपको फोर्थ वाला मॉडल इमेज पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इफेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करके थ्री डॉट्स ऑप्शन पर कॉपी फेड कर लेना है। इसके बाद में बैक आना है। बैक आने के बाद सॉन्ग बीट में प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है। सॉन्ग बीट में प्रोजेक्ट ओपन करने के बाद गाइज अब आपको मॉडल इमेज पर आना है। मॉडल इमेज पर आने के बाद गाइज अब आपको नीचे यहाँ पर स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद गाइज अब आपको इस सॉन्ग बीट में प्रोजेक्ट पर देखना है इफेक्ट फोर टेस्ट कहाँ है, उन सारे जगह अब आपको फोर्थ वाला इफेक्ट अप्लाई कर लेना है। गाइज मैंने इस पूरे सॉन्ग बीट में प्रोजेक्ट पर सारे मॉडल इमेज पर इफेक्ट अप्लाई कर चुका हूँ। आप लोगों को इसी टाइप सारे मॉडल इमेज पर इफेक्ट अप्लाई कर लेने, फर्स्ट टेक्स्ट पर फर्स्ट वाला इफेक्ट अप्लाई कर लेने, सेकंड टेक्स्ट पर सेकंड वाला इफेक्ट अप्लाई कर लेने, थर्ड टेक्स्ट पर थर्ड वाला इफेक्ट अप्लाई कर लेने, फोर्थ टेक्स्ट पर फोर्थ वाला इफेक्ट अप्लाई कर लेने। सो गाइज अब आपको यहाँ पर स्टार्टिंग पर आने, पूरे स्टार्टिंग पर आने के बाद गाइज अब आपको यहाँ पर प्लस आइकन पर क्लिक कर लेने। प्लस आइकन पर क्लिक करने के बाद इमेज नोड पर क्लिक कर लेने। इमेज नोड पर क्लिक करने के बाद गाइज अब आपको लोगो ऐड कर लेने। मैं अपने यूट्यूब चैनल का लोगो ऐड कर लेता हूँ, आप अपना इंस्टाग्राम लोगो वगैरह ऐड कर सकते हो। लोगो ऐड करने के बाद गाइज अब आपको मोन ट्रांसफर ऑप्शन पर क्लिक कर लेने। क्लिक करने के बाद थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करके इसका साइज छोटा कर लेना है। साइज छोटा करने के बाद गाइज अब आपको फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करके इस लोगो को कहाँ भी एडजस्टमेंट कर लेना है। एडजस्टमेंट करने के बाद गाइज अब आपको इस लोगो को पूरा लास्ट तक ले जाना है, हमारे म्यूजिक तक। अब आपको पूरा लास्ट पर आना है। लास्ट पर आने के बाद इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ये लोगो पूरा लास्ट तक आ जाएगा। सो गाइज आप देख सकते हो ये लोगो पूरा लास्ट तक आ चुका है। गाइज ये वीडियो पूरा कंप्लीट रेडी हो चुका है। इतना करने के बाद आपका वीडियो पूरा रेडी होके बन जाएगा। सो गाइज अब आपको वीडियो एक्सपोर्ट करने के लिए शेयर ऑप्शन पर क्लिक कर लेने। क्लिक करने के बाद वीडियो ऑप्शन पर क्लिक कर लेने। एक्सपोर्ट रेजोल्यूशन में 1080p रख लेने। फ्रेम रेट आपको फुल रख लेने। क्वालिटी एकदम हाई रख लेने। इसके बाद में एक्सपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक कर लेने। तो गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, जिससे कि चैनल का हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो गाइज आज के इस वीडियो पे इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट कोई और वीडियो पे। तब तक टिल देन टेक केयर एंड बाय।